हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं रेल का, जो ये जो आपको दिख रहा है, जो बोगी के नीचे लगा होता है जिसको चक्का बोलते हैं, इसको हम 3D मॉडल में क्रिएट करने वाले हैं, यानी बनाने वाले हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो ये दिख रहा है घड़े का जैसा सिंबल, वहां पे जाके इस चीज को फिर से जो ये बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बनाने के बाद में अच्छे से चक्के का ढांचा तैयार करने के बाद, उसके बाद में इन्वायरमेंट जो होता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और करने के बाद में अच्छे से इसे फिक्स करेंगे। ठीक है, फिक्स करने के बाद में इसका जो क्वालिटी होता है क्वालिटी को बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद में इसका पहले सेंटर फिक्स करेंगे, और उसके बाद में मास्क को लाएंगे। मास्क या ट्यूनिंग को लाएंगे, पहले इसको थोड़ा सा व्हील की तरह अंदर से जूम कर लेते हैं, और करने के बाद में इसको अच्छे से फिक्स कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी इसमें हम गड़बड़ करते हैं तो फिर ये बेकार हो जाएगा, और इसका पार्ट टू जल्दी आने वाला है। अगर आप इस पे कमेंट करते हो, अगर जो 400 लाइक कंप्लीट करा देते हो, तो इसका पार्ट टू तुरंत आएगा, जिसमें चक्के का ऊपर का हिस्सा जो होगा वो सब तैयार किया जाएगा। इसको अच्छे से कट लगा के, ताकि अलग अलग धारी हो सके, जैसे और ग्रैप होता है ना अंदर जगह, उस हिसाब से बन सके, ताकि अलग अलग कलर उसमें डाला जा सके या अंदर कोई चीज को फिट किया जा सके। इसको थोड़ा फास्ट किया कर दिया हूं, ताकि इसमें ज्यादा वक्त ना लगे आपका। अगर कोई चीज समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पीले कलर का जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, बस वही इसका मेन हिस्सा है। अगर जहाँ पे है वो, तो फिर उसी हिस्से को यूज में लिया जा रहा है। मास्क को इस और जो माउस होता है उसको हमने इसलिए लाया ताकि आपको समझ में आ सके, नहीं तो हमारे पास भी पेन है या अंगुल से भी बन सकता है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्त यार। म्यूजिक पे तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हमने खुद का वॉइस लाया ताकि आपको भी समझ में आ जाए। व्हील को बड़ा करने के बाद में हर एक का क्वालिटी बढ़ा देना है, ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर हमसे कोई गलती होती है तो मुझे भी जरूर बताना दे, ताकि हम उसे सुधार सकें, हम भी सीख रहे हैं। सबसे मेन जरूरी है चक्के का जो सेंटर होता है ना, उसको सीधा करना। ठीक है ना, सीधा करने के बाद मतलब एकदम सेंटर सीधा हो जाए, ताकि पटरी पे इसे बैठा है तो आराम से बैठ सके। और ये चीज तो कमेंट में जरूर बताना दोस्त, कि इसके ऊपर पहले हम बोगी बैठाए या इससे पहले पटरी पे रखें। आप पटरी बताओगे तो पहले पटरी बनाएंगे, अगर जो आप बोगी बोलोगे पूरा इसका सेट बनाने को, तो पूरा सेट बनाऊंगा। अब गियर की तैयारी कर लेते हैं, ताकि एक अच्छा सा गियर बन जाए व्हील में फिट करने के लिए। मोटर उसी पे बैठाएंगे ना। इसका भी क्वालिटी को, क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्वालिटी ज्यादा रहेगा तो इसमें वो निशान नहीं दिखेगा, प्लेन दिखेगा।
हाँ तो नहीं, गियर बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, आगे चल के और सुधार हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्त। हमने लाइनिंग नहीं लाया ना, अगर लाइनिंग ला दिया होते ना तो इतनी दिक्कत नहीं हुई होती। क्योंकि हमने इसे जल्दीबाजी में निपटाया था। हल्का सा इसको नीचे कर देंगे ताकि गियर का शेप लीजिए, ठीक है। ये जो है ना, इसे इसको तो जब आगे काम शुरू होगा तो इसे तो क्लीन कर दूंगा, ये सब ठीक हो जाएगा। अब बारी आ गया हमें व्हील में, जो चक्का है उसमें हमें ले जाके इस गियर को फिक्स करना है, ताकि इसके ऊपर मोटर को फिक्स कर सकें। पूरा एकदम सेंटर में रखना है, थोड़ा सा भी गड़बड़ी ना हो, नहीं तो गड़बड़ी हुई तो पूरे टेक्सचर या मॉडल का। अगर हमसे भी कोई गड़बड़ होती है तो भाई कमेंट करके जरूर बताना है यार। इसका कलर सेलेक्ट कर लेते हैं सारे का, गियर का भी, चक्के का भी। हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब अगली बार मैं किस चीज टॉपिक पे वीडियो बनाऊं जरूर कमेंट करके बताना मेरे दोस्त। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।